हे गाइस, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द व्यू ऑफ लर्निंग। स्वागत है आप सभी का इंडिया के नंबर वन स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी पे। सो गाइस, जैसे कि आप सभी को मालूम है कि डेली सुबह 8 बजे मंडे टू सैटरडे अपना एक इंपॉर्टेंट सेशन होता है, जिसके अंदर हम लोग इंडिया के लीडिंग करंट अफेयर है जो कि कवर करते हैं। सुबह 5 बजे बहुत सारे ई न्यूज़ पेपर आते हैं, जैसे कि द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, फाइनेंशियल एक्सप्रेस, जनसत्ता, TOI, ये सारे न्यूज़पेपर में से जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है वो सभी मैं निकाल के आप लोगों को सुबह 8 बजे के सेशन में अवेलेबल है जो कि करवाता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि सबसे पहले तो आवाज़ वाज़ परफेक्टली आ रही होगी। अगर आ रही है तो एक बार मुझे थम्स अप कर दो सो दैट हम लोग कंटिन्यू कर सकें। ठीक है, चलो जल्दी से एक बार बता दो पहले मेरे को, आवाज़ वाज़ आ रही है क्या, सब कुछ परफेक्ट है क्या? चलो, तो जैसा कि आपको मालूम है आज है 19th of November, है ना। तो आज के न्यूज़पेपर में से जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सब हम लोग कवर करेंगे। ये सेशन आप लोगों के लिए सिर्फ एग्जाम में काम नहीं आएगा, ये सारे जो एग्जाम है उसमें तो काम आना ही आना है। इसके अलावा भी अगर आप कहीं पर इंटरव्यू दे रहे हैं, अगर आप कहीं पर कोई डिस्कशन कर रहे हैं, अगर आपकी जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए, नॉलेज के लिए जो है ये सेशन बहुत काम आएगा। आपको बहुत चीज़ें सीखने को मिलेगी। हर एक न्यूज़ को हम लोग पास कवर करते हैं, उसका प्रेजेंट कवर करते हैं, उसके क्या फ्यूचर में प्रोज एंड कॉन्स है, वो सब चीज़ें हैं जो कि हम लोग कवर करते हैं। सो दैट अगर आपको कहीं पर राइटिंग करनी हो, कहीं पर अगर आपको मेंस लिखना हो किसी भी एग्जाम, कोई आपके PCS का, UPSC का, सो दैट आप एक अच्छा कॉन्टेंट है जो कि आपके पास में हो सके, है ना। तो सबसे पहले तो सारे के सारे न्यूज़पेपर कवर करेंगे, हाँ। उसके बाद में आज के दिन हिस्ट्री में क्या हुआ, कुछ फन फैक्ट, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि UPSC के सिविल सर्विसेज के जो प्रीवियस ईयर के अंदर आए हुए हैं वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको इंडिया में वैसे अगर किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है घर बैठे तो आप अनअकैडमी के ऊपर कर सकते हैं। 40+ एग्जाम की प्रिपरेशन आप कर सकते हैं, इंडिया के सारे टॉप एजुकेटर्स आपको पढ़ाते हैं, कोर्स कंप्लीट करवाते हैं। तो वहाँ पे रेफरल कोड पूछा जाता है आपसे डिस्काउंट के लिए, तो आप BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU 10 या BHU 10 यूज़ कर सकते हैं। आप इसको UPSC, PCS, डिफेंस, बैंकिंग, SSC किसी भी एग्जाम में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आपको गेट सब्सक्रिप्शन के ऊपर जाना है, इंडिया के सारे टॉप एजुकेटर्स आपको पढ़ाते हुए मिलेंगे। आपको यहाँ पे आप देख सकते हो लास्ट ईयर जो है 170+ बच्चों ने जो है अनअकैडमी से जो एग्ज़ाम क्रैक किया है। आपको लाइव क्लासेस, वीकली टेस्ट, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, है ना, स्टडी प्लानर, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे अवेलेबल होती है। आपको यहाँ पे 12, 24 या 36 मंथ सेलेक्ट करना होता है और नीचे की तरफ रेफरल कोड BHU 10 है जो कि आपको लगाना होता है ना। किसी भी एग्जाम के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं और ऑप्शनल सब्जेक्ट की भी प्रिपरेशन आप कर सकते हैं। ऐप डाउनलोड करके मोबाइल नंबर डालिए। यहाँ पे आपको अपना गोल सेलेक्ट करना होता है, जो भी आपका एग्ज़ाम का गोल है, कोई UGC है, कोई नीट का एग्ज़ाम है, कोई IIT का एग्ज़ाम है, कोई CAT है, जो भी आपका एग्ज़ाम है ना। प्लस में जाइए, गेट सब्सक्रिप्शन में जाइए, 12 और 24 मंथ पे जाइए और आज BHU 10 नीचे की तरफ रेफरल कोड आप लगा सकते हैं। आज स्मार्ट बोर्ड के ऊपर जो है वो क्लास नहीं हो रही है, क्लास हो रही है वो बड़ी बात है, मतलब आज घर पे कुछ फंक्शन है तो काफ़ी शोर शराबा हो रहा है, तो स्मार्ट बोर्ड पे क्लास लेना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए मेरे फ्रेंड है हमारे कबीर जी, तो कबीर जी के घर पे आके जो है ये क्लास है जो कि कंडक्ट करवाई जा रही है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोगों को मज़ा आएगा यार, ऐसे भी पढ़ने में मज़ा आता है, आपको कंटेंट काफ़ी नीट एंड क्लियर दिखता है, स्मार्ट बोर्ड हमेशा ज़रूरी नहीं होता है। और स्पेशल क्लास की बात करें तो स्पेशल क्लास का टाइम आप देख लेना, मुझे याद नहीं कितने बजे है, एक बार देख लेना अकेडमी में जाके। और SSC के अंदर फाउंडेशन बैच चल रहा है जहाँ पे मैं आपको कंप्लीट GS पढ़ा रहा हूँ, आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं ना। और एक बच्चे की एजुकेशन भी आप स्पॉन्सर कर सकते हैं, एक हैप्पीनेस सब्सक्रिप्शन से। आपको smileforallsociety.org की वेबसाइट पर जाना है और एक हैप्पीनेस सब्सक्रिप्शन आप लेके ₹500 पर मंथ पे एक बच्चे की एजुकेशन इंश्योर कर सकते हैं, उसकी पूरी डिटेल आपको मिलती रहेगी। वॉलंटियर भी बन सकते हैं, वॉलंटियर फॉर्म यहाँ पे फिलअप करके। चलिए शुरुआत करते हैं, देखते हैं आज का हिंदू क्या बोलता है ना। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे बात करी गई है जो कि मैजिस्ट्रियल प्रोब के बारे में बात करी है। जम्मू कश्मीर में आपको मालूम है अभी 4-5 लोगों की जो है वो डेथ हो गई थी, तो उसके अंदर उनके परिवारों का कहना है कि ये जो वो आतंकवादी नहीं थे, एक सिविलियंस थे जिनकी डेथ हुई है। तो यहाँ पे जो है जम्मू कश्मीर के अंदर इंक्वायरी हुई और वहाँ पे एक मैजिस्ट्रेट के अंदर जो है उसकी जाँच करने के लिए बोला गया है। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने रिफ्यूज़ कर दिया अनिल देशमुख और परमवीर, जो आपको मालूम है कि काफ़ी महाराष्ट्र के अंदर इश्यूज चलते रहते हैं, सीरियस चार्जेस है जो कि इनके ऊपर करप्शन के बाकी चीज़ों के लगाए गए थे, तो वो सब यहाँ पे मुद्दा है। बैंकर को दोस्तों सपोर्ट करने के लिए बोला है जॉब क्रिएटर्स को मोदी जी के द्वारा। यहाँ पे जो है WTO के न्यूज़ है, यहाँ पे एक मिशेल करके एक पर्सन है जो कि जिन्होंने जो कि तिहाड़ जेल के अंदर है, VVIP चॉपर स्कैम हुआ था एक बार, है ना, अगस्ता वेस्टलैंड वाला, तो उसको लेकर तो उनके द्वारा कुछ कहा गया है। यहाँ पे दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का फैसला टर्न कर दिया है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने ये फैसला सुनाया था एक क्रिमिनल केस के अंदर जहाँ पे एक छोटी बच्ची के साथ एक क्रिमिनल एक्ट हुआ था। ये बोला गया था कि भाई जो कल्प्रेट था उसने जो है वो स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट नहीं हुआ था, उसने जो टच किया था वो अबाउ द क्लोथ किया था, तो उसको जो है वो फ्री चार्ज किया गया था हाईकोर्ट के द्वारा, बॉम्बे हाईकोर्ट के द्वारा। लेकिन वो फैसला टर्न किया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा और ये बोला गया कि जो इंटेंट है ना वो इंपॉर्टेंट होते हैं, स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट होना जरूरी नहीं है। तो बिल्कुल सही फैसला यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सुनाया गया कि इंटेंशन जो है वो गलत थे तो उसको सजा होनी चाहिए, है ना।
राजनाथ सिंह जी के द्वारा दोस्तों यहाँ पे एक स्टेटमेंट आया हमारे लिए, जो इस फ्रंट पेज पे जो इंपॉर्टेंट है ना, जिसपे हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, आप बात कर सकते हैं एग्जाम के लिए, वो हमारे लिए ये वाली न्यूज़ इंपॉर्टेंट है, दिल्ली गवर्नमेंट की एक छोटी सी न्यूज़ है जो कि साइट के ऊपर है। जस्ट गिव मी सेकंड, एक बार, हाँ एक बार सब लोग वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा सो दैट और भी बच्चे जो है वो ज्वाइन कर सकें। हाँ तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यमुना को लेकर। देखो दिल्ली गवर्नमेंट ने जो है वो प्लेज लिए कि यमुना को क्लीन करेंगे 2025 तक। आपको मालूम है कुछ टाइम पहले यहाँ पे देख सकते हो आप, ये जो जिस तरीके से यहाँ पे ये यमुना जो इतनी ज़्यादा गंदी हुई है, जिसकी वजह से इतनी फ्लॉटिंग यहाँ पे हो गई है, इतने ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि आइलैंड आइसलैंड के अंदर कोई घूम रहा है। मैंने बताया था ना आपको, फोटोज़ भी दिखाई थी है ना, छोटे छोटे जो है फॉर्म है जिसका कलेक्शन हो गया है, ऐसा लग रहा है कि वो अंटार्कटिका या फिर कोई आइसलैंड के अंदर, लेकिन ये दिल्ली की यमुना रिवर है। तो ये काफ़ी जो चीज़ को लेकर इसके टाइम से अगर डिस्कशन हो रहा है, तो 6 पॉइंट एक एक्शन प्लान है जो कि बनाया गया है ताकि कंप्लीटली क्लीन कर सके यमुना को। और 2020 के अंदर भी प्रॉमिस था आम आदमी पार्टी का, फुलफिल तो नहीं हो पाया, देखते हैं अब 2025 तक जो है ये कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। और सीएम ने प्रॉमिस किया है कि वो खुद भी डिप करेंगे रिवर में बिफोर द असेंबली पोल। अब गंदी वाली में करेंगे कि अच्छी साफ वाली में करेंगे, ये तो खैर इलेक्शन से पहले पता लगेगा। बाकी जो यहाँ पे कुछ बातें जो यहाँ पे बताई गई है ये इंपॉर्टेंट है, जैसे कि पहले तो डेडलाइन, हमेशा पेपर में डेडलाइन के बारे में पूछते हैं। इसके अलावा जो इनिशिएटिव लिए गए वो ये बोले गए हैं कि भाई हम लोग सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाएंगे, कैपेसिटी इंक्रीज करेंगे, क्रैकडाउन करेंगे इंडस्ट्रियल वेस्ट को, जीरो टॉलरेंस करेंगे डिफॉल्टर के ऊपर, दिल्ली गवर्नमेंट कनेक्ट करेगी हर एक हाउस होल्ड को सीवेज नेटवर्क की तरफ, और 70 जो यहाँ पे मिलियन गैलन पर डे जो कैपेसिटी है उसके कई सारे प्लांट हैं जो कि हम लोग लगाएंगे। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं जो कि यहाँ पे बोली गई है ना। कुल मिला के हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि 2025 तक का यहाँ पे प्लेज है जो कि ली गई है। अब देखो कभी भी कोई सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट होता है ना, तो एक सिविल इंजीनियरिंग के अंदर इन्वायरमेंट करके एक सब्जेक्ट होता है अपना, उसके अंदर काफ़ी डिटेल में जो है इसमें पढ़ाया जाता है। आपके लिए इतना ज़्यादा बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप कोई इंजीनियरिंग के जो है स्पेसिफिकली इंजीनियरिंग का काम नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी आपको इतना पता होना चाहिए कि एक हाउसहोल्ड से जो है ना कई सारी चीज़ों से होते हुए जो है एक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में कोई भी सीवेज है जो कि जाता है। जैसे कि इसमें प्राइमरी सेटलर होता है, पेपर में कई बार पूछते हैं कि ये जो एक्टिवेटेड स्लज वेस्ट है ये कौन से वाले ट्रीटमेंट में काम में लिया जाता है, तो ये सीवेज के लिए काम में लिया जाता है। ये दो तीन टर्मिनोलॉजी है, दो तीन डिवाइसेज है जो कि आपको पता होने चाहिए, जैसे कि एयर कंप्रेसर होता है, इसके अंदर एरेशन करके एक प्रोसेस होता है, ये पेपर में पूछते हैं है ना। सेटलिंग टैंक्स होते हैं, क्लोरीनेशन होता है, क्लोरीनेशन तो आपको मालूम ही है स्विमिंग पूल्स के अंदर भी होता है। इसके अलावा फिर यहाँ पे प्राइमरी डाइजेशन होता है, सेकेंडरी डाइजेशन होता है, इस तरीके से काफ़ी सारे डिवाइसेस के अंदर होते हैं। तो ये एरेशन के बारे में पूछते हैं है ना, और इसके अलावा ये देखिए एरेशन टैंक, स्लज थिकनर, स्लज स्टेबलाइजर, तो ये सब पेपर में पूछते हैं। ये पूरा का पूरा एक इसका प्रोसेस है, अगर मैं इसको समझाऊंगा तो एक घंटा लग जाएगा, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे डायग्राम दिखा दिया है और बेसिक बेसिक हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। ठीक है आगे बढ़ते हैं, पेज नंबर 12 की तरफ चलते हैं। चलिए ठीक है, पेज नंबर 12 के बारे में बात करें तो हमारे लिए जो इस पेपर पे इंपॉर्टेंट है वो हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कि है हाँ एक छोटी सी न्यूज है लेकिन इंपॉर्टेंट है ये ऊपर की तरफ, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया को लेकर। तो देखो यूएस के एक बहुत ही फेमस डायरेक्टर है जिन्होंने वुल्फ ऑफ द वॉल स्ट्रीट, द एविटर और भी बहुत सारे मूवीज जो कि डायरेक्ट करी है, मार्टिन स्कॉर्सी, और साथ में हेमा मालिनी है ना, आपको मालूम ही है एक्ट्रेस टर्न पॉलिटिशियन है, तो इन दोनों को इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया के अंदर जो है वो ऑनर है जो कि यहाँ पे किया जा रहा है। और बीजेपी से मथुरा से जो है वो एमपी है हेमा मालिनी, आपको मालूम है, साथ में प्रसून जोशी जो है उनको भी यहाँ पे ऑनर है जो कि इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में एज ए इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर का अवार्ड है जो कि यहाँ पे दिया जाएगा। तो कुल मिला के आपको यहाँ पे तीन नाम ध्यान रखने, एक तो मार्टिन, एक हेमा मालिनी और एक प्रसून जोशी। ठीक है प्रसून जोशी को यहाँ पे इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर का अवार्ड, बाकी मार्टिन हो गए और हेमा मालिनी हो गई, इनको भी दोस्तों यहाँ पे अवार्ड है जो कि दिया जा रहा है। यूनियन इन्फॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर कौन है, अभी अनुराग ठाकुर है, उनके द्वारा स्टेटमेंट है जो कि यहाँ पे दिया गया है। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया हर साल जो है वो गोवा के अंदर है जो कि करवाया जाता है। अभी जब होएगा तो उसके बारे में हम लोग कंप्लीट इसके बारे में कौन सी बेस्ट फीचर फिल्म है, कौन सी नॉन फीचर फिल्म है, बहुत सारी कैटेगरीज में अवार्ड मिलते हैं, उनके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे है ना। वुल्फ ऑफ द वॉल स्ट्रीट अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो देखना, बहुत ही अच्छी मूवी है जो कि बनाई गई है। पेज नंबर 13 के बारे में बात करें तो यहाँ पे जो हमारे लिए डिस्कशन, देखो एशियान वाले समिट में चाइना बोल रहा है कि म्यांमार को भी इंक्लूड कर लो, जबकि म्यांमार में आपको मालूम है जिस तरीके से मिलिट्री रूल आया है, डेमोक्रेसी को जो है टाटा बाय बाय कर दिया गया है, तो एशियन कंट्री बाकी चाहते नहीं, लेकिन चाइना जरूर चाहता है यहाँ पे जो समिट को ज्वाइन करने को लेकर। तो अभी डिस्कशन हो रहा है, देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो रशिया की न्यूज़ इंपॉर्टेंट है कि एक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जो कि उसके द्वारा टेस्ट करी गई है। वैसे खैर पहले भी इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं,
जिरकॉन नाम से एक हाइपरसोनिक, हाइपरसोनिक का मतलब होता है जब आपके साउंड की वेलोसिटी से भी 6 गुना ज्यादा है स्पीड से, मतलब 6 मैक से भी ज्यादा की अगर स्पीड से अगर कोई मिसाइल लॉन्च होती है, क्रूज मिसाइल किसी भी तरीके की हाइपरसोनिक, तो उसको हम लोग हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल कहते हैं ना। और ये वन ऑफ द बेस्ट जो है क्रूज मिसाइल है जो कि अब तक की इस दुनिया में डेवलप करी गई है, वो बताया गया है। मतलब यूएस की मिसाइल भी जो है इसके आगे कुछ भी नहीं है, एक न्यू रेस है जो कि यहाँ पे बिगन करी गई है रशिया के द्वारा, जिसके अंदर बाकी कंट्री भी पार्टिसिपेट करने वाले हैं, है ना। और इसका नाम जो है मैंने आपको बता चुका हूँ, सक्सेस पहले भी इसको नेवी से, मतलब पहले इसको क्या है शिप से जो है इन्होंने टेस्ट किया था जिरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल को, अभी इन्होंने क्या किया है लैंड से जो है इसको टेस्ट किया है, ठीक है। तो कुछ टाइम पहले भी ये आई थी सबमरीन से जो है, इनकी सबमरीन से इन्होंने टेस्ट फायर किया था इसको, फर्स्ट लॉन्च था उस टाइम पे ये, और उसके बाद में रिपीटेडली इन्होंने इसको और टेस्टिंग करी है। 2022 के अंदर जो है रशियन नेवी के अंदर इसको इंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा। और 3M22 जिरकॉन, इसको 3M22 भी कहते हैं, एक स्क्रमजेट पावर्ड एंटी शिप हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, रशिया के द्वारा टेस्ट करी गई है। और ठीक है चलो, इंडिया की बात करें तो दोस्तों हम लोग भी इसके टेस्टिंग कर लिए, हमने मिसाइल की टेस्टिंग नहीं करी है, लेकिन अभी हम लोग क्या कर रहे हैं व्हीकल को डेवलप कर रहे हैं कि ऐसा व्हीकल जो कि इसको लेके जाने में जो है वो सक्सेसफुल हो जाए। तो अभी हमें 2-4 साल और लगेंगे मिसाइल को, हाइपरसोनिक मिसाइल को डेवलप करने में। दुनिया में अभी तक US, रशिया और चाइना 3 ही कंट्री है जो कि इसके ऊपर काम कर पाए, चौथा इंडिया ही है वैसे जो कि इसके ऊपर काम कर रहा है ना। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, हमने इंडिजीनियसली डेवलप किया है हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोस्ट्रेटर व्हीकल, ताकि हम लोग पावर लॉन्ग रेंज सरफे जो ये मिसाइल सिस्टम है उसको पावर दे सके, है ना। तो अभी हमने सिर्फ व्हीकल बनाया, 2-4 साल के अंदर हम इसको कंप्लीट डेवलपमेंट है जो कि कर लेंगे। बहुत ही मुश्किल होता है इस तरीके की हाइपरसोनिक फ्लाइट को टेक ऑफ करवाना, बहुत ही हाई टेम्परेचर होता है, एरोडायनामिक फोर्सेस चाहिए के ऊपर स्टडी करनी होती है आपको, कॉन्फिग्रेशन देखना होता है, स्क्रमजेट प्रोपल्जन होता है ना। जो कि पहले क्या होता था कि इंजन जो है वो इतना ज़्यादा, जितना ज़्यादा तेज़ी से आप किसी भी मिसाइल को भेजोगे उतने ज़्यादा ही हाई टेम्परेचर में वो वर्क करनी चाहिए। तो पहले रैमजेट इंजन होते थे जो कि सुपरसोनिक स्पीड के ऊपर काम करते थे, मैक 3 के आसपास काम किया करते थे। अभी रैमजेट से जो है वो स्क्रमजेट इंजन आ चुके हैं जो कि हाइपरसोनिक स्पीड के ऊपर काम करते हैं। तो ये काफ़ी टेक्नोलॉजी के अंदर चेंजेस हैं जो कि ओवर द टाइम देखने को मिल रहे हैं, है ना। चलो ठीक है, आवाज़ आवाज़ परफेक्ट आ रही है ना, ठीक है, हाँ परफेक्ट है एकदम। एक बार वीडियो को शेयर कर देना गाइस, अगर आपने शेयर नहीं किया अपने व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, जहाँ पे भी आप शेयर कर सकते हो। आगे बात करते हैं पेज नंबर 14 के ऊपर, जो ऑटो डीलर्स हैं उनके लिए इस बार दिवाली जो है वो दिवाली नहीं रही, पिछले 10 सालों के अंदर सबसे वर्स्ट फेज है कोविड वाला टाइम और ये वाला साल का जो है वो ऑटो डीलर्स को देखने को मिला है। इतनी ज़्यादा सेल से, जो इनकी जितनी ज़्यादा सेल और परचेज होती थी उतनी ज़्यादा देखने को नहीं मिली। एक और दोस्तों बड़ा न्यूज़ कल रहा पेटीएम को लेकर, मैंने मना किया था ना पेटीएम के IPO में लगाना मत वैसे, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी हाई वैल्यू के ऊपर स्टार्ट कर रहे हैं ये लोग, काफ़ी ज़्यादा शेयर प्राइस इन्होंने रखी हुई थी, तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ा और 27% का जो है इसके शेयर जो है वो नीचे चले गए। बहुत बड़ा एक डाउनफॉल है जो कि पेटीएम के शेयर में देखने को मिला। 2021 के आसपास इन्होंने वैल्यूएशन एक शेयर की प्राइस रखी थी जो कि 1500 के ऊपर आकर के गई, तो होपफुली आप लोगों ने जो है वो पैसा नहीं लगाया होगा। और ठीक है, मैंने भी नहीं लगाया था, मैंने एक दो लोगों को मना भी किया था, काफ़ी लोगों ने मुझे बोला भी था, लेकिन मैंने नहीं लगाया, आपने भी लगाया होगा। चलो ठीक है, आगे बात करते हैं। यहाँ पे जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है स्पोर्ट्स न्यूज़ इंपॉर्टेंट है, दोनों यहाँ पे अवार्ड है जो कि यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो WTA फाइनल के अंदर यहाँ पे फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन जो गार्बिन थे उन्होंने यहाँ पे अवार्ड जीत लिया है, फर्स्ट स्पैनिश है जिन्होंने दोस्तों इस अवार्ड को जीता है ना। तो हाँ, वुमेन टेनिस के प्रोफेशनल टूर्नामेंट होता है, वन ऑफ द बेस्ट टूर्नामेंट होता है आपके ग्रैंड प्रिक्स के, जो भी आपके ग्रैंड स्लम होते हैं उसके बाद में, तो यहाँ पे गार्बिन ने फर्स्ट स्पेनिश प्लेयर बनी है जिन्होंने WTA का फाइनल है जो कि जीता है। मैक्सिको के अंदर ये टूर्नामेंट है जो कि करवाया गया था, ध्यान रखिएगा, है ना। इतना सा किसने जीता है, कहाँ पे हुआ है, बस ये दो बातें ध्यान रखनी है, इसके ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे बात करते हैं ज्योति को लेकर, ज्योति ने दोस्तों यहाँ पे वुमेन इंडिविजुअल टाइटल है जो कि जीत लिया है, और हमारी आर्चर इंडिया के बहुत ही फेमस आर्चर है वी ज्योति, नाम ध्यान रखना है सुरेखा, वी ज्योति सुरेखा, तो दो कोरियन को हरा के जो है इन्होंने एशियन आर्चरी चैंपियनशिप जो है ढाका बांग्लादेश में इसको करवाई जा रही थी वो यहाँ पे जीत ली है ना। ये बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है यार, ये क्या लड़कीबाजी हो रही है यहाँ पे सुबह सुबह क्या कमेंट के अंदर कौन किसको क्या क्या बोल रहा है
सुबह सुबह चालू हो जाते होगे यार। मैं पहले भी आपको बोल चुका हूँ कि अगर आपकी ऑफलाइन गर्लफ्रेंड नहीं बनी है तो यकीन मानो ऑनलाइन कभी नहीं बनेगी। यहाँ पे बहुत सारे जो है वो लड़कियों के नाम से कमेंट करते हैं तो ये मत सोचा करो कि वो जेनुअनली लड़के हैं, वो लड़के हैं आपके मजे ले रहे हैं। आप सोचो ना, जब आप ऑफलाइन कोचिंग गए होंगे तब वहाँ पे अगर आपकी गर्लफ्रेंड नहीं बनी तो आप कैसे यहाँ पे कमेंट करके गर्लफ्रेंड बना सकते हो? नहीं बनेगी, ट्रस्ट मी ऑन दिस। ठीक है तो इन सब चीज़ों को छोड़ो, पढ़ाई वढ़ाई कर लो। और यहाँ पे एक बच्चे ने बहुत अच्छा काम किया, वो बोला सर मैंने गो कलर में पैसा लगाया था। गो कलर वाले आपके डबल हो गए होंगे, 3 गुना भी हो जाएंगे। वो बहुत अच्छा काम किया आपने अगर किया है तो। चलो ठीक है, आगे बात करते हैं, नेक्स्ट चलते हैं जो कि है पेज नंबर 15 पे। यहाँ पे चलो यहाँ पे जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो यहाँ पे बात करेंगे किसको लेकर, प्रकाश पादुकोण को लेकर। तो बैडमिंटन लेजेंड है दोस्तों प्रकाश पादुकोण, उनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है जो कि बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन WBWF उनके द्वारा दोस्तों दिया जा रहा है। फॉर्मर वर्ल्ड नंबर 1 और फर्स्ट एवर इंडियन वर्ल्ड चैंपियन है जो कि रह चुके हैं दोस्तों प्रकाश पादुकोण। और 2018 के अंदर जो है उनको BAI के द्वारा भी लाइफ टाइम, जो अपना बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया है उनके द्वारा भी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है जो कि मिला था। अब उसके बाद में वर्ल्ड बैडमिंटन एसोसिएशन के द्वारा भी इनको अवार्ड है जो कि दिया जा रहा है। दीपिका पादुकोण जो है उनके फादर है, दीपिका पादुकोण भी जो है वो बैडमिंटन प्लेयर हुआ करती थी। और है ना, चलिए ठीक है आगे बात करते हैं इंदिरा गांधी जी को लेकर। जैसा कि आपको मालूम है आज 19 नवंबर है, और 19 नवंबर को इंदिरा गांधी जी का बर्थडे आता है। 1917 को उनका जन्म हुआ और 31 अक्टूबर 1984 को जो है उनकी डेथ हुई थी, है ना। फर्स्ट लेडी प्राइम मिनिस्टर, भारत रत्न से भी इनको सम्मानित किया गया। थर्ड प्राइम मिनिस्टर थी इंडिया की, 80 से लेकर 84 तक रही सबसे पहले, उसके बाद में 66 से 1997 के बीच में। और मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर भी रही, मिनिस्टर ऑफ डिफेंस भी रही, मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स भी रही, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस भी रही, मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग भी रही। तो ये एक तरीके से पॉलिटिशियन के अपने जो है रजनीकांत है जो कि हुआ करते थे इनके पास में। ये अपने टाइम पे काफ़ी सारे मिनिस्ट्रीज है जो कि इन्होंने रखी है, काम किया है। और इलाहाबाद के अंदर, प्रयागराज के अंदर इनका बर्थ हुआ था, इंदिरा प्रियदर्शनी नेहरू। और 31 अक्टूबर 1984 को 66 की एज में दिल्ली के अंदर जो है इनकी मृत्यु हुई थी। शक्ति स्थल जो है इनका मॉन्यूमेंट है जो कि दिल्ली के अंदर है। असासिनेशन हुआ था आपको मालूम है इनके बॉडीगार्ड्स के द्वारा ही, फिरोज गांधी से इन्होंने शादी करी थी। फिरोज गैंडी वॉज अ पर्शियन और पारसी थे वो, जो कि गांधी जी से बहुत इन्फ्लुएंस थे, तो गैंडी को उन्होंने सरनेम अपना गांधी किया। उसके बाद में इंदिरा नेहरू जो है वो इंदिरा गांधी बनी, है ना। राजीव और संजय गांधी तो उनके बच्चे थे, जवाहरलाल नेहरू और कमला नेहरू जो इनके पेरेंट्स थे। कमला नेहरू जो है वो टीबी की वजह से जो है उनकी मृत्यु हुई थी। विश्व भारती यूनिवर्सिटी से ड्रॉप आउट रही, ऑक्सफोर्ड से ड्रॉप आउट रही, है ना। काफ़ी घर पे ही ज़्यादातर जो है उन्होंने स्टडी है जो कि अपनी करी है। भारत रत्न 1971 के अंदर इनको मिला। बांग्लादेश का फ्रीडम ऑनर भी जो है वो 2011 के अंदर है जो कि इनको दिया गया। ओके, कुछ चीज़ों के लिए बहुत फेमस है, कुछ चीज़ों के लिए बहुत क्रिटिसाइज भी किया जाता है, जैसे कि इमरजेंसी दोस्तों एक ब्लैक फ्राइडे के तौर पे देखा जाता है पूरी दुनिया देश के अंदर। और अमेरिका के बहुत ही इंटेंस प्रेशर के बाद में भी इंदिरा गांधी ने जो जो है वो वॉर बांग्लादेश के खिलाफ, बांग्लादेश को सपोर्ट करने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो स्टार्ट कर दी थी, और लिब्रेशन किया था ईस्ट पाकिस्तान को और बांग्लादेश है जो कि बाद में बना, है ना। बांग्लादेश लिब्रेशन वॉर 1971 है जो कि उसको कहते हैं। और उस टाइम पे प्रेसिडेंट वीवी गिरी जी ने जो है वो भारत रत्न सब इनको सम्मानित है जो कि किया था। वुमेन ऑफ द मिलेनियम दोस्तों इनको माना जाता है BBC पोल के द्वारा 1999 के अंदर। 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, जिससे पूरा संविधान हिल गया था एट अ टाइम ऑफ इमरजेंसी, अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए काफ़ी कोशिशें हैं जो कि करी गई थी। 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट अगर आपने नहीं पढ़ा तो काफ़ी लंबा चौड़ा है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन उसको इसलिए कहते हैं। 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट भुनेश लिख देना यूट्यूब पे, आपको वीडियो मिल जाएगा, उसके अंदर मैंने पूरा आपको बता रखा है। 2011 के अंदर दोस्तों बांग्लादेश के हाईएस्ट सिविलियन ऑनर जो है वो भी पॉस्टमसली जो है, ठीक है आ रही है अभी आवाज़ परफेक्ट है, ठीक है परफेक्ट है अभी। ठीक है आगे बढ़ते हैं, चलते हैं इंडियन एक्सप्रेस की तरफ। तो दैनिक का अंदर जो जो इम्पोर्टेंट था वो हम डिस्कस कर चुके हैं। चलो ठीक है, तो इंडियन एक्सप्रेस के बारे में बात करें तो ये आपका फ्रंट पेज है पूरा का पूरा। इस पे जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है वो है एक जो कि नेशन वाइड सर्वे किया गया है, जिसके अंदर हम लोग बात कर रहे हैं इंडियन पुलिस फाउंडेशन के द्वारा कि स्टेट की जो रैंक है वो नॉर्दर्न स्टेट से कंपैरेटिवली बेटर।
ठीक है, परफेक्ट है अभी, सही है अभी आ रही है आवाज़। हाँ चलो ठीक है, आ रही है। तो यहाँ पे हम लोगों ने बात करी किसको लेकर, नेशनल पुलिसिंग सर्वे को लेकर। मैंने आपको बताया कि ऊपर के 5 स्टेट जो है वो इम्पॉर्टेंट है, और नीचे के जो बॉटम के 5 स्टेट हैं उनके नाम आपको ध्यान रखने हैं। इसके अलावा 3 कैटेगरी में डिवीजन हुआ है, बस इससे ज़्यादा आपको कुछ भी ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है ना। और तो यहाँ पे 3 कैटेगरी की बात करी गई है। 3 कैटेगरी भी मैं आपको बता देता हूँ। 10 सेट ऑफ क्वेश्चन थे जिसमें 6 इंडेक्सेस इंक्लूड थे, है ना। कॉम्पिटेंस बेस्ड इंडिकेटर थे डीलिंग विद द इश्यू सच एज द पुलिस सेंसिटिविटी, एक्सेसिबिलिटी, रेस्पॉन्सिवनेस, टेक्नोलॉजी अडोप्टेशन। ये कुछ पॉइंट थे जिसके अंदर किया गया है, ठीक है ना। चलो ठीक है, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं बेलारूस को लेकर। बेलारूस क्लियर माइग्रेंट कैंप एट द EU बॉर्डर एज क्राइसिस विद द वेस्ट इज। देखिए, अभी मैंने आपको कुछ दिन पहले ही बताया था कि पोलैंड के अंदर जो है ना, वो कुल मिला के यूरोपियन यूनियन के अंदर बहुत सारे माइग्रेंट बेलारूस की बॉर्डर के ऊपर जो है वो आके खड़े हो गए थे। हजारों लोग थे और वो अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे इल्लीगल तरीके से। बेलारूस हो गया, उसको जो है हेल्प मिली रशिया के द्वारा। रशिया ने एक तरीका अपनाया था कि भाई मैं यूरोपियन यूनियन के अंदर या यूरोप में किस तरीके से इंस्टेबिलिटी लेके आ सकूँ, उसके लिए कई सारे लोगों को गल्फ कंट्री से, नॉर्दर्न अफ्रीकन कंट्री से उठाया और बेलारूस की बॉर्डर के ऊपर खड़ा कर दिया। और बेलारूस ने अंदर से जाने के लिए कोशिश करी, लेकिन फाइनली यूरोपियन यूनियन ने और सेंक्शन लगा दिए बेलारूस के ऊपर, और प्रॉब्लम क्रिएट हो गई और साफ तौर पे मना कर दिया इस तरीके से आगे बढ़ने को लेकर। तो यहाँ पे फाइनली जो है वो बेलारूस ने एक्सेप्ट कर लिया कि वो माइग्रेंट कैंप को क्लियर करेंगे और क्राइसिस थोड़े बहुत जो है वो यहाँ पे कम हो गए हैं। तो ये अच्छी बात है कि माइग्रेंट्स को ये लोग क्लियर कर रहे हैं और यहाँ पे एक अलग से कैंप बना के वहाँ पे रुकवा रहे हैं। अदरवाइज ठंड का टाइम आने वाला है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। इस जगह को जो नाम दिया गया है, उस जगह को जहाँ पे ये पैच ऑफ लैंड है जहाँ पे जमा हुए हैं, उसको द जंगल नाम दिया गया है। बहुत ज़्यादा वायलेंट क्लैशेस यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, बहुत प्रॉब्लम देखने को मिल रही है ना। इंदिरा गांधी न्यूज़ के बाद में कुछ भी नहीं सुना क्या आपने? चलो ठीक है, इंदिरा गांधी न्यूज़ के बाद में मैंने सिर्फ एक न्यूज़ बताई है, जो कि मैंने आपको नेशनल पुलिसिंग सर्वे बताया था कि पुलिस के ऊपर कितनी, कौन से राज्य की पुलिस कितनी अच्छा काम कर रही है, मतलब कितना बेहतर गवर्नेंस कर रही है। उसमें 5 जो सबसे अच्छे राज्य हैं उनका नाम आया है, वो है सदर्न स्टेट, तेलंगाना, आंध्रा, आसाम, केरला और सिक्किम। और जो सबसे लोएस्ट रैंकिंग वाले राज्य हैं उसके अंदर है बिहार, यूपी, झारखंड, छत्तीसगढ़ और पंजाब। बस इतनी सी बात मैंने आपको बताई थी। 6 इंडिकेटर थे जो कि मैंने आप यहाँ पे नाम लिखे हुए हैं, सेंसिटिविटी, एक्सेसिबिलिटी, रेस्पॉन्सिवनेस, टेक्नोलॉजी अडोप्टेशन, है ना। ठीक है, ये सब बातें मैंने बोली है। अब आगे बात करते हैं पाकिस्तान के पार्लियामेंट के बारे में बात करते हैं। पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने दोस्तों अप्रूवल दे दिया है केमिकल कैस्ट्रेशन को, जो लोग कन्विक्टेड है मल्टीपल रेप्स के। देखो क्या होता है कि कास्ट्रेशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को हटा देना, रिमूव कर देना। दो प्रकार के होते हैं, एक तो केमिकल होता है और एक सर्जिकल होता है ना। ये आपके बात करते हैं हम लोग सेक्चुअलिटी को लेकर। एक तो सर्जिकल, सर्जिकल में क्या होता है कि आपके जो जेंटिकल्स हैं, जो आपके सेक्चुअल पार्ट्स हैं, उनको ही रिमूव कर दिया जाता है। रिमूव होने के बाद तो फिर आप कहानी ख़त्म है बिल्कुल ही एकदम, है ना। तो ये सर्जिकल है। दूसरे होता है केमिकल कैस्ट्रेशन। केमिकल कैस्ट्रेशन में क्या होता है कि कुछ टाइम तक के लिए, कुछ ईयर्स तक के लिए क्या होते हैं कि आपके जो सेक्सुअल बॉडी पार्ट, जो पार्ट्स है वो काम करना ही बंद कर देते हैं। तो पाकिस्तान में बोल दिया गया कि जो लोग मल्टीपल रेप्स कर रहे हैं ना, उनको केमिकल कास्ट्रेशन कर दिया जाए। और पार्लियामेंट ने भी दोस्तों उसका अप्रूवल है जो कि दे दिया है, ताकि जो भी कन्विक्शन है उसको स्पीड अप कर सके और टफर सेंटेंसेज है जो कि दे सके। अभी रिसेंटली बहुत सारे रेप केसेस जो है वो पाकिस्तान में देखने को मिल रहे हैं, है ना, बहुत सारे। उसकी वजह से दोस्तों वहाँ की जनता भी बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट कर रही है, और वहाँ के जो प्रेसिडेंट है आरिफ अलवी, उन्होंने अप्रूवल भी दे दिया है एंटी रेप ऑर्डिनेंस जो कि ये पास किया गया है। समझ गए, अभी काफ़ी टाइम पहले जो है वो काफ़ी सारे केसेस यहाँ पे, बहुत सारे केसेस चल रहे हैं। जैसे कि एक मोमेंट पे हमारे यहाँ पे भी बहुत सारे बवाल हुआ था, है ना, आपको याद है। तो इस तरीके से होते रहना बहुत ज़रूरी है। जनता प्रोटेस्ट करती है तभी जो है वो पार्लियामेंट को समझ आते हैं। लेकिन यहाँ पे जो किया है वो केमिकल कैस्ट्रेशन किया है। अब केमिकल कैस्ट्रेशन से दुनिया में देखो ये तो कहीं प्रूव हुआ भी नहीं है वैसे कि केसेस कम होते हैं या नहीं होते हैं, क्योंकि जो रेप करने वाले जो लोग होते हैं वो उनकी फिजिकल नहीं, उनकी उनकी साइकोलॉजिकल भी प्रॉब्लम है। और ज़रूरी है ऐसे लोग लॉन्गर टाइम तक जेल के अंदर रहे, जेल में रखना ज़रूरी है ताकि जो है बाहर जाके वो क्राइम ना करें। ये लीगल पनिशमेंट ऐसा नहीं है सिर्फ पाकिस्तान के अंदर ही है, और भी साउथ कोरिया, पोलैंड, चेक रिपब्लिक, कई सारे यूएस के राज्य के अंदर भी इसको अप्रूवल है जो कि दे रखा है। समझ गए।
केमिकल कैस्ट्रेशन में केमिकल यूज करते हैं ताकि रिड्यूस कर सके मैन का लिबिडो सेक्सुअल एक्टिविटी बाय लोवरिंग टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन को लोवर कर देते हैं तो सेक्सुअल एक्टिविटी अपने आप उसका काम करना बंद कर देती है। प्रीडोमिनेंट सेक्स हार्मोन जो है मेल्स में कम करते हैं, है ना। सेक्स ऑफेंडर जो 1940 के अंदर इसकी शुरुआत करी गई थी, 2003 में रिसर्चर थे एक चार्ल्स और ट्रेंट, उन्होंने फर्स्ट बोला था कि हम ऐसे मेडिकेशन के यूज़ कर रहे हैं ताकि सेक्सुअल बिहेवियर जो है वो पैथोलॉजिकली कम कर सकें। तो 1994 के अंदर भी इसकी शुरुआत है जो कि कर दी गई थी, है ना। कई सारे होमोसेक्सुअलिटी के ट्रीटमेंट के अंदर भी यूके में ऐसा बोला गया है, और कई सारे कन्विक्ट है जो कि इसके अंदर वहाँ पे एक लॉ बनाया गया था, अमेंडमेंट किया गया, क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट उसके द्वारा वहाँ पे अप्लाई किया गया। इसके अंदर दोस्तों कई सारे सब्सटेंसेस काम में लेते हैं, जैसे कि एक तो बोलते हैं अपन MPA, एक होता है CPA, है ना, ठीक है, साइप्रोटेरोन एसिटेट, और एक और होता है मेड्रो प्रोगेस्ट्रोन एसिटेट। तो ये दो काम में लिए जाते हैं जिसके बाद में टेस्टोस्टेरोन का लेवल जो है वो बहुत ही कम हो जाता है ना, ठीक है। चलो ठीक है, आगे बात करते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट को लेकर पूरी दुनिया में दोस्तों नंबर वन जो टॉप रेसिपिएंट रेमिटेंसेस का है, वो पहले भी वैसे हम ही थे और अभी भी वापस से रिपोर्ट आई है जिसमें हम ही है। रेसिपिएंट का मतलब क्या होता है, देखो आपको मालूम है हमारे देश से बहुत सारे लोग हैं जो कि विदेश में काम करने के लिए जाते हैं, है ना, और हम लोग दोस्तों बहुत ध्यान रखते हैं हमारे परिवार का। कंपैरेटिवली अगर हमारे यहाँ पे कल्चर होता है कि जब बच्चे को इतने टाइम पे कॉलेज तक या ग्रेजुएशन तक प्रिपरेशन तक पेरेंट्स बच्चे का ध्यान रखते हैं, उसके बाद हम लोग अगर कोई विदेश में जाए या कहीं पे पढ़ाई करने जाए तो हम लोग जो है वो घर पे पैसा टाइम टू टाइम भिजवाते हैं ताकि घर पे जो हमारा लोन है, घर गृहस्थी में कोई समस्या है जो कि नहीं आए, है ना। जो हमारे विदेश में बच्चे जाते हैं तो वहाँ तो दोस्तों ऐसा होता है कि खुद भूखे रह लेंगे, लेकिन घर पर तो पैसा भेजना ही है। मतलब अगर 10 रुपये भी कमाएंगे तो 9 रुपये ये होता है कि यार घर पे भेज दो, मतलब 1 रुपये में काम चला लो, है ना। तो ये हमारे सोच होती है और ये मतलब अच्छी भी बात है, हमारे बड़ी मुश्किलों से बड़ी तकलीफ़ों से जो है हम लोग विदेश में पढ़ने पहुंचते हैं जैसे तैसे करके। तो पूरी दुनिया में दोस्तों 2021 में $87 बिलियन है जो कि हम लोगों ने पैसा भेजा, और है ना, इंडिया वॉज द लार्जेस्ट रेमिटेंस रेसिपियंट इन 2021, और US जो है वो बिगेस्ट सोर्स है जहाँ से हमने पैसा भेजा है। तो नंबर वन पे इंडिया, सेकंड पे चाइना, मैक्सिको। चाइना में भी जो है वो काफ़ी सिमिलर कल्चर है जो कि देखने को मिलता है, फिर फिलीपींस है, फिर इजिप्ट है ना। 2020 में देखिए नंबर बढ़ता जा रहा है, 2000 फ्लो जो है वो इंडिया के अंदर बढ़ता जा रहा है, 4.6% की ग्रोथ है जो कि यहाँ पे देखने को मिली है। चलिए आगे बात करें वर्ल्ड बैंक की दोस्तों, तो वर्ल्ड बैंक 1944 में इसकी शुरुआत हुई थी। वर्ल्ड बैंक कोई सिंगल बैंक नहीं है, दो बैंकों से मिलकर बनता है, पहले भी बता चुका हूँ, IDA और IBRD। कोई सिंगल बिल्डिंग नहीं है, IDA जो है वो लोअर जो इनकम मिडिल लोअर इनकम कंट्रीज है उनको लोन देता है जिसमें कोई इंटरेस्ट नहीं लगता। IBRD जो है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ये मिडिल इनकम कंट्रीज को लोन देता है जहाँ पे आपको एक बहुत ही नॉमिनल इंटरेस्ट भी जो है वो देना पड़ता है। हम लोग दोनों से जो है वो पैसा ले लेते हैं। Washington DC में हेडक्वार्टर है। IBRD के 189 कंट्रीज मेंबर है और IDA के 173 कंट्रीज मेंबर है। डेविड मैल्पस के प्रेसिडेंट है, अंशकुला कांत MD और अभी CFO है जो कि बनी हुई है, है ना। चलिए, और चीफ इकोनॉमिस्ट कौन है, कामन करके जो कि अभी यहाँ पे चीफ इकोनॉमिस्ट है, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं, गूगल साइंस पे फॉर न्यूज़ डील। देखो एक और बहुत बड़ा इनिशिएटिव, देखो आपको मालूम है कि बहुत सारे न्यूज़ चैनल है जो कि न्यूज़ अपनी पब्लिश करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा फायदा गूगल को मिलता है। गूगल ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना दिया जहाँ पे वो खुद का कंटेंट नहीं देता, लेकिन पूरी दुनिया जो है कंटेंट पूरी दुनिया का जो है इसके पास अवेलेबल होता है, लोग पढ़ते भी इसी के ऊपर है। तो कई सारे जो न्यूज़ पब्लिशिंग कंटेंट न्यूज़पेपर थे उनकी समस्या थी कि यार कंटेंट हम बनाते हैं, ढूंढते हमें, काम हम करते हैं, लिखते भी हमें, लेकिन फ़ायदा गूगल को मिलता है। तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी ये बात हुई कि भाई इस चीज़ का पैसा गूगल को हमें देना चाहिए। फ्रांस के अंदर भी हुई, यूरोपियन यूनियन में भी हुई। फाइनली दोस्तों 5 साल की डील है जो कि बिगेस्ट लाइसेंसिंग डील है जो कि यहाँ पे गूगल ने कर ली है। एक फ्रांस की एक कंपनी है, है ना, NG फ्रेंड्स प्रेसी करके, तो न्यूज़ कंटेंट पब्लिश करती है। तो 5 साल की पार्टनरशिप करी गई है। वैसा ही सेम चीज़ जो है वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी डील है जो कि करी गई है। आने वाले दिनों के अंदर क्या हमारे न्यूज़पेपर के साथ या हमारे जो कंटेंट पब्लिशर के साथ में वैसी डील होगी नहीं होगी, वो आने वाले दिनों में गवर्नमेंट के इनिशिएटिव के बाद में ही पता चलेगा, है ना। चलिए, तो ये नाम ध्यान रखिएगा, फ्रांस की कंपनी का इम्पोर्टेंट है। चलो आगे बात करते हैं, नेक्स्ट चलते हैं जनसत्ता को लेकर। जनसत्ता के बारे में बात करें तो यही अब फ्रंट पेज के ऊपर अगर हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे एक न्यूज़ जो इम्पोर्टेंट है वो है इंडिया और यूनेस्को को लेकर। यूनेस्को के जो कार्यकारी बोर्ड है उसका वापस से सदस्य जो है वो इंडिया को चुन लिया गया। 4 साल का टेन्योर है यूनेस्को के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के अंदर। 2021 से 2025 तक का जो टाइम ड्यूरेशन है ना, इसके
अंदर हम यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड का सदस्य है जो कि चुने गए हैं, है ना। ये बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। 164 वोट है जो कि हमें मिले हैं, वापस हम इसके मेंबर है जो कि बन गए हैं। चलिए यूनेस्को के बारे में बात करें। 16 नवंबर को फॉर्मेशन हुआ, 16 नवंबर 1945 को पेरिस के अंदर हेडक्वार्टर है। ऑन्ड्रे है जो कि इसके डायरेक्टर जनरल है जो कि अभी फिलहाल है ना। चलो आगे बात करते हैं। व्हाट इज द क्लीन ओशन मैनिफेस्टो। अभी रिसेंटली जो है क्लीन ओशन मैनिफेस्टो है जो कि जारी किया गया है। क्लीन ओशन इंटरनेशनल एक्सपर्ट ग्रुप है यूएन का, उसने ये बोला है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम लोग हमारे ओशन को क्लीन रखने के ऊपर काम करें। तो क्लीन ओशन मैनिफेस्टो है जो कि जारी किया गया है। इसके अंदर हम लोग चाह रहे हैं कि जो हमारे कचरा जो है, मरीन डेब्रिस जो है, उसको 50 से 90% तक जो है हम लोग कम करें। ग्लोब के अंदर रिसाइकल को प्रमोट करें। हाईटेक टेक्नोलॉजी जो है वो मॉनिटर करने के लिए यूज़ की जाए। इस एक्सपर्ट ग्रुप के अंदर बहुत सारे लोग हैं, जर्मनी के, मैक्सिको के और भी बहुत सारे कंट्रीज के लोग हैं। और 2025 तक का इन्होंने गोल है जो कि यहाँ पे डिसाइड किया है, और फाइनली 2030 तक का जो है वो फाइनलाइज गोल है जो कि यहाँ पे डिसाइड किया है ना। तो 50% 2025 तक, 90% 2030 तक है जो कि क्लीन करने के लिए बोला गया है। तो ये यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है जो कि डिफाइन करे गए। टॉप प्रायोरिटी जो है वो पॉल्यूशन को भी 90% तक कम करने के लिए यहाँ पे बोला गया है। और 3 दिन की ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस है जहाँ पे 30 एक्टिविटीज़ है जो कि करवाई जाएगी पूरे दुनिया के अंदर, जहाँ पे किस तरीके से जो है वो क्लीन कर सकते हैं उसको लेकर सजेशंस होंगे, उसको लेकर डिस्कशंस होंगे, कौन कौन से टेक्नोलॉजी काम में ले सकते हैं, ये सारी बातचीत है जो कि यहाँ पे करी गई है। अगर आप पॉल्यूशन के हाल देखोगे तो बहुत ज़्यादा बुरे हैं ओशन के अंदर। अप टू 20 मिलियन टन, ठीक है, 20 मिलियन टन जो प्लास्टिक वेस्ट है वो हर साल जो है वो ओशन के अंदर डाला जाता है। 3 kg पर पर्सन पर ईयर के हिसाब से प्लास्टिक का जो है इन्फ्लक्स है जो कि आपको ओशन में देखने को मिलेगा, है ना। जो भी कचरा होता है 50% जो है वो इंसान के द्वारा ही डाला जाता है। फर्टिलाइजर, मैन्योर, अनट्रीटेड सीवेज पॉल्यूशन जो है वो 1.4 kg पर पर्सन पर ईयर के हिसाब से देखने को मिलता है, जिससे बहुत सारे मरीन एनिमल, आपकी कोरल रीफ बहुत सारे जो है वो मर जाते हैं। बहुत सारे जगह पे आपने देखा होगा दुनिया के अंदर वेल्स जो है वो मर के देखने को मर जाती है, कोने में आ जाती है। ऑयल जो है वो बहुत जगह पे निकल जाता है टैंकर्स में से, 180 ग्राम पर पर्सन जो है वो ऑयल देखने को मिलता है। तो कुछ इस तरीके का ओशन है जो कि आपको देखने को मिलता है, जो कि किसी भी तरीके से, मतलब आप देख रहे हो, मतलब ये रियल ओशन नहीं है, बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड ओशन है। तो इसको सोचने की ज़रूरत है कि प्लास्टिक वेस्ट को बिल्कुल भी जो है प्रमोट ना किया जाए और उसके ऑप्शंस जो है वो क्रिएट किए जाए, ठीक है। तो एक छोटा सा वीडियो के द्वारा आप यहाँ पे ये चीज़ देख सकते हो, है ना। ओशन को सेव करना बहुत ही ज़रूरी है। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट है ओरल मेडिसिन को लेकर। हाँ, तो आपको मालूम है अभी रिसेंटली क्या होता है कि जब भी डायबिटीज़ होती है किसी को, तो इंसुलिन के लिए आपको क्या लेना पड़ता है, आपको इंजेक्शन लेने पड़ते हैं। अब रिसेंटली कई सारे इनिशिएटिव काफ़ी सालों से जो है वो दुनिया में चल रहे थे इसके ऊपर, जिसमें ओरल डायबिटीज़ मेडिसिन के बारे में बात करी जा रही थी। तो फाइनली दोस्तों ओरल डायबिटीज़ की जो मेडिसिन है वो यहाँ पे डेवलप कर ली गई है रिसर्चर के द्वारा। और ये क्या करेगा, कंट्रोल करेगा आपके बॉडी में इंसुलिन लेवल और आपके बॉडी के अंदर इफेक्टिवनेस को मेंटेन करने का काम करेगा। ये जो मेडिसिन है वो डेवलप करी गई है टैरिक फैमी के द्वारा, एक एसोसिएट प्रोफेसर है मेडिकल इंजीनियरिंग येल यूनिवर्सिटी के अंदर। और बिगेस्ट एडवांटेज क्या है, आपको बार बार इंजेक्शन यूज़ नहीं करने पड़ेंगे। सबसे ज़्यादा बेनिफिट है जो कि इस चीज़ का यही है। आपकी बॉडी में जब ग्लूकोज लेवल, जो शुगर लेवल जब बढ़ता है ना, तब आपको इस तरीके की डायबिटीज़ प्रॉब्लम देखने को मिलती है। और बहुत बार मैं आपको इसके बारे में डिटेल में बता चुका हूँ। इसके अंदर नैनो कैरियर मटीरियल है जो कि यूज़ किया जा रहा है, जो कि बॉडी के अंदर जो है मेटाबॉलिज्म को रिस्टोर करेगा और आपको हेल्प करेगा, है ना। चलिए, इसको बनाना मुश्किल क्यों था, क्योंकि आपके इंटेस्टाइन के अंदर जो है ना ये ब्रेक डाउन होता है पूरा का पूरा, फिर वहाँ से बॉडी के अंदर जो है इंसुलिन का काम है जो कि ये लोग करेगा। आपके टाइप डायबिटीज़ 1 और 2 के अंदर प्रॉब्लम यही तो होती है कि पहले वाले में इंसुलिन बनता नहीं है जो कि आपके ग्लूकोज के अंदर से जो है शुगर को कन्वर्ट करे एनर्जी के अंदर। दूसरे वाले में बनता तो है लेकिन वो इफेक्टिवली काम में नहीं आ पाता, है ना। ये तो टाइप 1 टाइप 2 होते हैं। तो इसके अंदर दोनों जगह पर आपको आर्टिफिशियली जो है वो बाहर से जो है आपको इंसुलिन है जो कि लेनी पड़ती है, ताकि आपकी बॉडी में जो है वो कन्वर्जन होता रहे, ठीक है। चलिए ठीक है, आगे बात करते हैं। नासा ने दोस्तों डिले कर दिया ह्यूमन मिशन टू मून। आपको मालूम है 1972 के अपोलो मिशन के बाद में जो है मून के ऊपर ह्यूमन मिशन जो है वो बैन कर दिए गए थे, और नासा ने बोला था कि अभी ये मून के ऊपर और मार्स के ऊपर जो है
वो अपने नए मिशन है जो कि लॉन्च करेगा। अभी इसको पोस्टपोन कर दिया है 2025 तक। क्यों कर दिया है उसके बाद कारण भी जो है हम लोग जानेंगे। इस मिशन का नाम था आर्टिमिस मिशन। ये लोग चाह रहे थे कि फर्स्ट मैन और वुमेन जो है वो मून के ऊपर 2024 तक है जो कि भेज दें। डिले कर दिया गया है क्योंकि यहाँ पे एक केस जो है वो पेंडिंग पड़ा है। नासा ने दोस्तों क्या किया था, स्पेसएक्स को $2.9 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट है जो कि दे दिया था इस काम करने को लेकर। लेकिन जो एलन मस्क की कंपनी के खिलाफ, जो जेफ बेजोस की जो कंपनी है ब्लू ओरिजिन, उसने केस फाइल कर दिया था नासा के खिलाफ फेडरल कोर्ट के अंदर। ये बोला था कि यहाँ पे अच्छी तरीके से टेंडर जो है वो फ्लोट नहीं करे गए, प्रॉपर तरीके से कॉन्ट्रैक्ट को देखा नहीं गया, प्रपोजल को देखा नहीं गया है, और एक अनड्यू एडवांटेज है जो कि स्पेसएक्स को दिया गया है। तो 10 कंपनी को सेलेक्ट किया गया था नासा ने इस काम के लिए 2018 में। ब्लू ओरिजिन भी उसमें से एक थी। लेकिन जो सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट जो देखने को मिला ना, वो $2.9 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट है जो कि स्पेसएक्स को देखने को मिला था, जिसके अंदर कई सारे लूनर लैंडर को बिल्डअप करने के लिए बोला गया था जो कि एस्ट्रोनॉट को ट्रांसफर करने को लेकर काम करेंगे। तो इसको अनलॉफुल और इनप्रॉपर है जो कि यहाँ पे करा दिया गया है ना। आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ही जबरदस्त मिशन है ये आर्टिमिस मिशन, जिसके अंदर ये पहले तो एक तरीके से मून के ऊपर, ये देखो ये सारे अपोलो मिशन है जो कि 1972 तक गए थे और काफ़ी लोगों ने कदम रखा, मतलब 10-12 लोगों ने कदम भी रखा। सारे के सारे यूएसए के थे, उसके बाद में बंद हो गए, उसके बाद में बैन कर दिया गया। यूएसए के अलावा आज तक मून के ऊपर कोई भी पर्सन जो है वो नहीं गया है। अब ये वापस से रिलॉन्चिंग कर रहे हैं आर्टिमिस मिशन के अंदर। पहले तो मून के ऊपर बेस बनाएंगे, फिर वहाँ से मून पे बेस बना के उसको मिडवे बना के मार्स के ऊपर पहुँचेंगे और वहाँ पे कॉलोनी बसाएंगे। 6 मंथ की जर्नी होगी पूरी मार्स के ऊपर, मार्स की तक, और जिसमें से 3 दिन की जो जर्नी है पहले मून पे होगी और फिर मून को एक तरीके से बेस स्टेशन बना के मार्स के ऊपर जाएंगे। समझ गए? पहले तो इस तरीके के स्पेस सूट है जो कि सबसे बड़ा चैलेंजिंग है जो बनाना है। इस तरीके से एक स्पेस क्राफ्ट है जो कि बनाया जाएगा। क्रू मॉडल है जिसका नाम है ओरियन। ओरियन एक क्रू मॉडल है जो कि बिल्डअप किया जाएगा। उसमें कई सारे एस्ट्रोनॉट है 4 के आसपास जो कि यहाँ पे जा सकते हैं। फिर एक मॉड्यूल बनाया जाएगा, सर्विस मॉड्यूल, और उसको रॉकेट इंजन के द्वारा जो है कनेक्ट करके उसको भेजा जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। और नीचे जो है वो आपके रॉकेट प्रोपल्शन सिस्टम और ये सब लगाए जाएंगे। ये फ्यूल है नीचे की तरफ, जो फ्यूल आपको नजर आ रहा है ना, आपने देख लिया होगा किस तरीके से जो है एक रॉकेट के अंदर जो है एक क्रू मॉडल को जो है सेटअप किया जाता है। सैटेलाइट जो होती है वो भी टॉप मोस्ट वाले पार्ट के अंदर ही होती है सेटअप। नीचे जो सिर्फ जो है उसको एनर्जी देने के लिए और ऊपर लेके जाने के लिए काम आता है नीचे वाला सिस्टम। अब जैसे जैसे स्पेस में जाता जाएगा नीचे वाले फ्यूल सिस्टम हटते जाएंगे और फाइनली जो है जो टॉप मोस्ट पोर्शन है वो एस्टैब्लिश हो जाएगा। काफ़ी अमेजिंग वीडियो है ना, इसके अंदर पूरी क्लैरिटी आपको दिखाई गई है किस तरीके से एस्टैब्लिशमेंट है जो कि किसी भी सैटेलाइट का या फिर स्पेस इस तरीके के स्पेस मिशन का जो है वो देखने को मिलता है। अजीम सुबह 5 बजे वाली क्लास सभी लोगों के लिए है, जो भी आप एग्ज़ाम देना चाहते हो उसके लिए 10-15 मिनट में काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं। अब ये मून के जो है वो ट्रेजेक्ट्री के अंदर जो है वो पहुंच चुका है मॉड्यूल और धीरे धीरे जो है उसके ऊपर उतरेगा और उसके बाद में वहीं पर ही जो है ये एस्टैब्लिशमेंट हो जाएगा, है ना। ये देखो ये अपोलो मिशन जो था पहले इस तरीके से था और आर्टिमिस जो है वो अभी इस तरीके से पूरा ट्रेजेक्ट्री जो है वो चेंज हो गई है।
ठीक है, होपफुली जो है आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पे किस तरीके से ठीक है। चलो आगे बढ़े, फिर वापस से सेम जो है वापस आने का भी कुछ इस तरीके का प्रोसेस है। ठीक है, तो जो डिले है वो इसी वजह से है, जैसे कि मैंने आपको बताया जो एक केस चल रहा है ना, यही सबसे बड़ा डिले है और इसी चैलेंजेस की वजह से अभी इसको थोड़ा डिले कर दिया गया है। 1972 तक अभी तक 12 अमेरिकन एस्ट्रोनॉट है जो कि वॉक कर चुके हैं मून के ऊपर। टोटल 382 kg लूनर रॉक है जो कि आज तक अर्थ के ऊपर लेके आ चुके हैं स्टडी करने के लिए। आर्मस्ट्रांग और एल्ड्रिन जो थे वो फर्स्ट ह्यूमन थे जिन्होंने वॉक किया था अपोलो 11 मिशन से, लैंड किया था मून के ऊपर। और आर्टिमिस जो है अब तक का लेटेस्ट मिशन है जो कि इसके ऊपर काम कर रहा है। अपार्ट फ्रॉम यूएस, रशिया, चाइना, इंडिया, जापान और यूरोपियन स्पेस एजेंसी जो है वो अपने मिशन मून तक भेज चुकी है। चाइना ने 2019 के अंदर मून की जो फार साइट है वहां पे लैंडिंग करवाई थी। हम भी चंद्रयान 3 है जो कि अभी प्लान कर रहे हैं भेजने को लेकर। इसके अलावा WHO ने ग्लोबल रिपोर्ट है जो कि टबैको यूज़ को लेकर है जो कि यहाँ पे भेजी है। और अच्छी बात यह कि 2020 से 2025 के अंदर जो है, अगर 2020 से 22 सालों के अंदर जो है ट्रेंड थोड़ा डाउनफॉल है जो कि टबैको यूज़ का जो है वो देखने को मिला है। ये फोर्थ एडिशन की रिपोर्ट है। इंडिया में अगर आप बात करोगे तो ये जितना डार्क वाला जो बेल्ट है ना, यहाँ पे सबसे ज़्यादा हाई यूज़ है जो कि टबैको का होता है। मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और जो ये सदर्न बेल्ट है यहाँ पे टबैको का यूज़ बहुत कम होता है। सबसे कम जो है वो पंजाब और गोवा वाले राज्य हैं जहाँ पे सबसे कम टबैको का प्रेवलेंस है जो कि आपको देखने को मिलता है। हाईएस्ट 11 राज्यों के अंदर हमारे जो ईस्टर्न स्टेट्स हैं यहाँ पे सबसे ज़्यादा टबैको है जो कि कंजप्शन होता है। ठीक है, तो इस रिपोर्ट में यही बताया गया है कि डिक्लाइन जो है वो 25% है 2020 तक, है ना। और साउथ ईस्टर्न रीजन जो है वहाँ पे महिलाओं की भी स्मोकिंग जो है वो 9% जो है वो कम हो गई है। इंडिया नेपाल के अंदर 30% रिलेटिव रिडक्शन जो है वो देखने को मिल सकता है 2025 तक, ये टारगेट किया गया है। इस तरीके से हर एक रीजन का जो है वो बताया गया है, मतलब है ना। चलो ये कौन से कंट्री में कितना जो है स्मोक करते हैं लोग वो बताया गया है। म्यांमार, इंडोनेशिया, लायोस, चाइना, ये दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त स्मोकिंग है ट्रेंड है यहाँ पे और इंडिया के अंदर 24% के आसपास है। और ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं गुरु नानक जयंती को लेकर। जैसा कि आप सभी को मालूम है आज है 19 नवंबर और आज है गुरु नानक जयंती, जहाँ पे 552वां बर्थ एनिवर्सरी है जो कि हम लोग गुरु नानक देव जी की जो है वो मना रहे हैं। पूरब जो है प्रकाश उत्सव भी जो है हम इसको कहते हैं। सिख कम्युनिटी पूरी दुनिया में, पूरे देश में जो है इस फेस्टिवल को, इस दिन को जो है वो सेलिब्रेट करती है। इनफैक्ट पूरा इंडिया जो है वो सेलिब्रेट करता है। सिखिज्म के फाउंडर है जो कि माने जाते हैं, 10th गुरु में से फर्स्ट गुरु है जो कि माने जाते हैं। देश में ऑफिशियल हॉलीडे है जो कि आज के दिन होता है ना। ट्रेडिशनल लूनर कैलेंडर के टाइम पर इसको सेलिब्रेट किया जाता है। 1469 में जो है ननकाना साहिब जो है कार्तिक पूर्णिमा के दिन इनका बर्थ है जो कि हुआ था। और कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही हम जो है गुरु पूरब को सेलिब्रेट है जो कि करते हैं। 19 नवंबर को आज के दिन है जो कि मनाई जाती है। ठीक है, चलिए। और तलवंडी जो है प्रेजेंट पाकिस्तान के अंदर है, शेखुपुरा डिस्ट्रिक्ट के अंदर। ननकाना साहिब बोलते हैं हम आज के टाइम पे इनको, इस जगह को जहाँ पे इनका बर्थ हुआ था। तो वहाँ पे भी दोस्तों काफ़ी सेलिब्रेशन है जो कि इस चीज़ का होता है। चलिए आज के दिन के इतिहास की बात करें। 1961 में नेवी ने सेंड किया पहला एक्शन कमांड, कुछ खास नहीं है वाली। और नेशनल एनिमल जो है टाइगर को 1972 में अडॉप्ट किया गया। 1969 में सेकेंड लून मून के ऊपर लैंडिंग है जो कि करवाई गई अपोलो 12 मिशन के तहत। और पेले ने 1000वां गोल है जो कि 1969 के अंदर ही है जो कि किया था। वोकैबुलरीज की बात करें, ओनरस बहुत अच्छा वर्ड है, आज के न्यूज़पेपर में भी है। इसका मतलब होता है जो जब किसी के ऊपर बहुत भार होता है ना उसको कहते हैं। जैसे कि ये आदमी देखिए किस तरीके से बेचारा जो है वो तकदीर का मारा, इसके ऊपर बहुत बर्डन है। इसको आरडियोज वर्ड बहुत अच्छा है ना। और एवर का मतलब होता है कोई भी बात जो कि बहुत ही स्ट्रिक्टली जब आप किसी एडमेंट होके कहते हो ना उसको कहते हैं प्रोक्लेम करना। वॉच डॉग का मतलब जो देखता है किसी चीज़ को अच्छे काम के लिए, है ना, ऑब्जर्वर जिसको अपन लोग कहते हैं। और सैक्रोसेंट का मतलब होता है जो बहुत ही पवित्र होता है। और अनअबेटेड का मतलब है बिना कमी के, कोई भी काम जो बिना किसी भी कमी के जब आप कर रहे हो तो उसको बोलते हैं हम लोग। इवोक का मतलब है किसी भी फीलिंग को, मेमोरी को माइंड में लेके आना एकदम से, है ना, उसको बोलते हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चंस की बात करें तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट और प्रेसिडेंट रूल जो वेस्ट बंगाल में लगाने को लेकर यहाँ पे सवाल बना है। पहला स्टेटमेंट बोलता है, यूपीएससी 2020 का सवाल है, प्रेसिडेंट रूल जो प्रेसिडेंट रूल के टाइम पे पार्लियामेंट जो है वो रिड्यूस कर सकती है पावर जो स्टेट के लॉज है उसको लेकर। सेकेंड ये बोलता है कि अगर पार्लियामेंट या प्रेसिडेंट
लॉ बनाते हैं तो वो कंटिन्यू रहते हैं, तब तक प्रेसिडेंट रूल उस राज्य में रहता है, तब तक ही कंटिन्यू रहते हैं। तो ये तब तक ही वाला जो है ना, ये गलत है, ये ओनली वर्ड यहाँ पे दोस्तों गलत है। अ लॉ मेड मेड बाय द पार्लियामेंट ऑफ द प्रेसिडेंट और एनी स्पेसिफिक अथॉरिटी कंटिन्यूज रहती है, ओके, प्रेसिडेंट रूल के बाद में भी, है ना, ऐसा नहीं हट जाता है अगर वो लागू किया गया है। तो यहाँ पे ए आपका सही आंसर है जो कि होना चाहिए, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं, वॉश इनिशिएटिव के बारे में बोला गया है। WHO के द्वारा इसको शुरुआत करी गई, ये हेल्प करता है मेंबर कंट्रीज को सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 6 को अचीव करने को लेकर। MPPCS का सवाल है, आंसर बिल्कुल सही है, दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, बी आपका आप सी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। किस्मत रही 5 बजे वाला जो क्लास है वो प्लेलिस्ट में डाल देंगे, जो चिंता मत करो, आज डलवा दूंगा मैं, है ना, मुझे पता नहीं था। वॉश का मतलब है वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन। WHO के द्वारा हेल्थ और हाइजीन को इनिशिएट करने को लेकर इसकी शुरुआत करी गई है, ठीक है। चलिए, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो छठा है वो इसी को लेकर बोलता है, इक्विटेबल और एक्सेसिबल वाटर एंड सैनिटेशन को लेकर। तीसरा क्वेश्चन है जो कि मेंबर कंट्रीज के बारे में बोला है, इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम को लेकर। यहाँ पे जो इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम के कौन कौन से कंट्रीज है, तो इसके अंदर जो कंट्रीज है वो है ऑस्ट्रेलिया, मोजाम्बिक और फ्रांस। तो यहाँ पे सी आपका सही आंसर होना चाहिए, ठीक है। ये 3 कंट्री इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम के, और कई बार हम लोग इसके बारे में बात करते हैं, 24 कंट्रीज इसके अंदर इंक्लूडेड है, IOR के 8 ऑब्जर्वर कंट्रीज है इसके अंदर, है ना। चलिए, ये था आज का आपका सेशन अनअकैडमी पे किसी भी एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए। BHU10 या बुनेस्टन आप यूज़ कर सकते हैं, 10% ऑफ आपको अनअकैडमी मिल जाएगा किसी भी एग्जाम के लिए। आपको ये सारे के सारे कुछ बेनिफिट मिलते हैं, आपको ऐप डाउनलोड करनी होती है, मोबाइल नंबर डालना होता है, गोल सेलेक्ट करना होता है, जो भी आपका एग्जाम का गोल है यहाँ पे प्लस में जाइए, गेट सब्सक्रिप्शन पे 12 या 24 मंथ पे, और यहाँ पे BHU10 है जो कि आप लगा सकते हैं, ठीक है। और smilefallsociety.org के वेबसाइट पे जाके अपने सब्सक्रिप्शन भी आप यहाँ पे ले सकते हैं। ये था आज का आपका इंपॉर्टेंट सेशन गाइज, आज के लिए इतना ही, थैंक यू, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे। सॉरी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हुई उसके लिए, ओके, थैंक यू।